नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे राजस्थान भूगोल जो कि BA द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में शामिल किया गया है उसके सिलेबस का एक परिचयात्मक कक्षा लेंगे। इसमें देखें तो 5 इकाइयां हैं। पहली इकाई में हम राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको, जो भौगोलिक आधार पर जिन भागों में बांटा गया है उसका वर्णन किया जाएगा, उसके बारे में समझा जाएगा, कैसा भौतिक स्वरूप है, क्यों है, इसकी विशेषता क्या है, किस तरीके से ये भौतिक स्वरूप अलग अलग होते हैं और इनका भूगर्भीय इतिहास क्या है। उसके बाद में हम राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में समझेंगे कि यहाँ की जलवायु ऐसी क्यों है और उसका क्या प्रभाव है, राजस्थान की मृदा मिट्टी कैसी है, अलग अलग जगहों पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का क्या महत्व है, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के क्या उपाय हैं वह हम समझेंगे। उसके बाद में राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है, यहाँ स्पष्ट कर दें कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि जो प्रकृति द्वारा दी गई है और सर्वप्रथम जिस तरीके की जो जलवायु है उसके अनुसार वहाँ पर वो वनस्पति का विकास हुआ है, न कि मनुष्य के द्वारा उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करने से जिस वनस्पति का विकास होता है वो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरी इकाई में हम राजस्थान की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के बारे में हमेशा 3 आधारों पर पढ़ाई की जाती है, अध्ययन किया जाता है। पहली उसकी वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि राजस्थान में किस प्रकार से रही है, स्वतंत्रता के बाद में किस तरह के वृद्धि रही है, स्वतंत्रता के पूर्व कैसी वृद्धि रही है और क्यों रही है, उसका क्या कारण है, और जनसंख्या का वितरण राजस्थान में किस प्रकार से है, उस वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक और अन्य कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का है, कौन से ज़्यादा घनत्व वाले, कौन से कम घनत्व वाले, सघन और कम घनत्व वाले कौन से स्थान हैं, कौन से क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन इस में किया जाएगा। उसके बाद में हम राजस्थान की जो आदिवासी जनसंख्या है उनमें जो प्रमुख आदिवासी जनसंख्या या आदिवासी हैं जिसमें भील, मीणा, गरासिया, इन प्रमुख आदिवासी जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनका क्षेत्रीय वितरण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसी इकाई में ग्रामीण अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ग्रामीण अधिवास कैसे वृद्धि करते हैं, किस तरीके से उनका स्वरूप निश्चित होता है, कितने प्रकार के ग्रामीण अधिवास हो सकते हैं और उन ग्रामीण अधिवासों में जो भवन निर्माण होते हैं उसकी में कौन सी उपयुक्त सामग्री काम में ली जाती हैं। उसके बाद में हम राजस्थान में पर्यटन का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे, आखिर भारत की तरह ही राजस्थान में पर्यटन का बहुत महत्व है, राजस्थान में पर्यटन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारणों के बारे में जानेंगे, प्रभावित करने वाले, आकर्षित करने वाले, पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कारकों के बारे में जानेंगे और पर्यटन एक उद्योग के रूप में किस तरीके से विकसित किया जा सकता है और हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी इकाई जो है वो राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में है, इसमें खनिज संसाधन का वितरण, उनके उत्पादन और राजस्थान में खनिजों के जो भंडार हैं उनमें प्रमुख खनिजों के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में, उनके वितरण के बारे में पढ़ा जाएगा।
उसके बाद में हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं, उनके स्थायीकरण के क्या कारण हैं, आखिर वो उद्योग वहाँ क्यों विकसित हुए, उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनको वहाँ पर स्थिति वहाँ पर करने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनकी स्थितिक प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे, आखिर उनका फैलाव कहाँ तक है, कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में इसी इकाई में हम यहाँ के राजस्थान में यातायात के जो संसाधन हैं, जो साधन हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे सड़कें हों, उनके बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके प्रतिरूप और उनकी अभिगम्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथी इकाई में राजस्थान की कृषि संबंधी कार्य और कृषि सिंचाई संबंधी का जो भी योजनाएं हैं, पशुपालन आदि के बारे में पढ़ा जाएगा। कृषि के अंतर्गत कृषि भूमि उपयोग के बारे में पढ़ा जाएगा, कृषि जोतों के बारे में पढ़ा जाएगा, जो भूमि सुधार कार्यक्रम हुए उसके बारे में पढ़ा जाएगा, और कृषि को विकास के कृषि के विकास के लिए जो जो योजनाएं बनी हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। कृषि के अंतर्गत ही जो प्रमुख फसलें राजस्थान में होती हैं उनमें गेहूं, मक्का, बाजरा, तिलहन और कपास का मुख्यतः अध्ययन किया जाएगा। जो सिंचाई के साधन हैं राजस्थान में, उन सिंचाई के साधनों के बारे में पढ़ा जाएगा, उनके क्षेत्रीय पहलू के बारे में पढ़ा जाएगा, उनका क्षेत्रीय विकास किस प्रकार से है, किन क्षेत्रों में कौन से सिंचाई के साधन बहुलता में पाए जाते हैं, किन सिंचाई के साधनों का किन इलाकों में महत्व है, भूमिगत जल के बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि भूमिगत जल के रूप में राजस्थान की बहुत ही एक तरीके से ऐसी स्थिति मानी जाती है जहां भूमिगत जल निरंतर नीचे जा रहा है, तो उस भूमिगत जल के बारे में पढ़ा जाएगा कि भूमिगत जल का सिंचाई में किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, कहीं अत्यधिक दोहन तो नहीं किया जा रहा है, उसको वापस रिचार्ज करने के लिए, संग्रहण करने के लिए भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद में सिंचाई की मुख्य योजनाओं में इंदिरा गांधी नहर योजना, चंबल घाटी योजना और माही बजाज सागर योजना के बारे में पढ़ा जाएगा। राजस्थान में चूंकि एक सूखा प्रदेश है, यहाँ पर केवल कृषि पर जीवन यापन करना संभव नहीं है, तो साथ में पशुपालन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो पशुपालन का भी अध्ययन किया जाएगा, पशुओं की संख्या, उसका क्षेत्रीय प्रारूप और विभिन्न पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में इस इकाई के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। पांचवी इकाई में हम जो राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश हैं, जो भौगोलिक स्वरूप हैं, उन भौगोलिक प्रदेशों में से कुछ मुख्य भौगोलिक प्रदेश जैसे अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और हाड़ोती प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी जो राजस्थान भूगोल के संबंधित जो सिलेबस हैं उससे परिचित हो गए होंगे। अगली कक्षाओं में हम एक एक इकाई को लेते हुए, एक एक टॉपिक को लेते हुए उस पर वीडियो के द्वारा चर्चा करेंगे और उस पर आप के समक्ष एक व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।